हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गीता। आज एक नई रिसर्च के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूं। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं एक नई रिसर्च के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूं। पांच ऐसे तरीके आपको बताने वाली हूं जिससे हम 300 लीटर पानी दिन में आराम से सेव कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतना पानी यूज करते हैं और इतना पानी हम सेव भी कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो पांच तरीके कौन से हैं। तो पांच तरीके, मेरा पहला तरीका है गार्डन में पानी देना। गार्डन में पानी हमें देना चाहिए क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब भी हमारा टैप ऑन होता है और हम गार्डन को पानी दे रहे होते हैं तो हमारा वहां पे कम से कम 100 लीटर पानी यूज हो जाता है। यही अगर हम स्प्रिंकल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमारा 30 लीटर पानी ही यूज होता है एंड 70 लीटर पानी हम आराम से सेव कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला तरीका। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी मेरा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका है जब हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के टाइम पे हमारा टैप ऑन होता है तो हमारा वहां पे भी 5 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। जो हमारी ब्रशिंग 1 लीटर पानी में ही कंप्लीट हो जाती है अगर हम टब का यूज करते हैं तो 4 लीटर पानी हमने वहां पे भी बचा लिया। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी मेरा तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है मेरा नहाने का। जब भी हम नहाते हैं और हमारा शावर चल रहा होता है तो वहां पे भी हमारा 100 लीटर पानी यूज होता है शावर में और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने 100 लीटर पानी यूज कर लिया। यस, हमारा 100 लीटर पानी वहां पे यूज होता है। यही अगर हम बकेट का यूज करते हैं तो बकेट में हमारा 18 लीटर पानी ही यूज होता है और हम 82 लीटर पानी आराम से वहां पे भी सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा तीसरा तरीका। अब मैं आपको बताऊंगी चौथे तरीके के बारे में। चौथा तरीका ये है कि जब भी हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के टाइम पे भी हमारा 116 लीटर पानी लगता है जब हमारा नल कंटिन्यू चलता होता है। तो 116 लीटर हमें पानी जबकि नहीं लगता है, अगर हम उसको टब में यूज करें तो हमारा 38 लीटर पानी ही लगता है कपड़े धोने में और हम 80 लीटर पानी वहां पे भी आराम से सेव कर लेते हैं। तो ये था मेरा चौथा तरीका। दोस्तों अब मैं आपको पांचवा और बहुत जरूरी जो हमारे लिए है वो तरीका आपको बताने वाली हूँ, वो है वेजिटेबल वॉश। अगर हम वेजिटेबल वॉश करते हैं रनिंग टैप में, वहां पे भी हमारा 20 लीटर पानी वेस्ट होता है, 20 लीटर पानी वेस्ट होता है। अगर वही हम बकेट में यूज करते हैं तो हमारा 1 लीटर पानी ही यूज होता है, जो 19 लीटर पानी हम वहां पे भी आराम से बचा सकते हैं। तो ये थे मेरे पांच तरीके। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। मैं आपको ये नए नए टॉपिक्स एंड नए नए रिसर्च के साथ फिर से आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।